बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतिहास से लेकर अब तक फिल्मों में बाल कलाकार हमेशा से ही फिल्मों में अहम भूमिका में नजर आए हैं। उन अहम भूमिका में वो सभी अपनी मासूमियत भरी अदाकारी और चुलबुले अंदाज के साथ दर्शकों के दिलों में बस जाते हैं। इसलिए तो दर्शकों को लगता है कि अगर वो इन बाल कलाकारों को कुछ सालों बाद भी देखेंगे तो उन्हें एक नजर में ही पहचान जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में नजर आए वो सभी बच्चे अब बदल जाते हैं। उनके चेहरे से लेकर उनके लुक में इतना अंतर आ जाता है कि आप उन बाल कलाकारों को कुछ सालों बाद एक नजर में पहचान भी नहीं पाते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के 5 ऐसे ही बाल कलाकारों से रूबरू कराने वाले हैं जो आज समय के साथ साथ इतने बदल गए हैं कि उन्हें एक नजर में पहचान पाना भी मुश्किल है। फिर आइए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार। नंबर 1, अथित नाइक। कल हो ना हो फिल्म में प्रीति जिंटा के छोटे भाई शिव का किरदार तो आपको याद ही होगा। उसी जीन्स टी शर्ट पहने चश्मे वाले क्यूट से शिव का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार का असली नाम अथित नायक है, जिन्होंने अपनी मासूमियत से भी सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि छोटे से बाल कलाकार आज काफी बदल गए हैं। आज ये 30 साल के हो गए हैं और काफी बड़े दिखते हैं, साथ ही अब इनका लुक भी काफी बदल गया है। अब ये दाढ़ी मूछ वाले शख्स बन गए हैं, साथ ही अब इन्होंने अपने बालों को भी बड़ा कर लिया है। इसके साथ अब इन्होंने लेंस लगाकर अपना चश्मा हटा लिया है और अब इनका ड्रेसिंग सेंस काफी स्टाइलिश और मॉडर्न हो चुका है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 2, रुबीना अली। दोस्तों, आपको स्लम डॉग बिलियनेयर फिल्म की लतिका याद है, वही जो येलो फ्रॉक वाली क्यूट सी लड़की थी, उसी लतिका का किरदार निभाया था चाइल्ड एक्ट्रेस रुबीना अली ने और अपने इस किरदार के साथ एक घरेलू नाम भी बन गई थी, जिसके बाद इन्होंने कल किसने देखा है और बॉलीवुड हीरो जैसी कई फिल्मों में काम करके अपने एक्टिंग करियर को विराम दे दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन बीते सालों में ये बाल अदाकारा काफी बदल गई हैं और आज ये 22 साल की उम्र में काफी बड़ी हो गई हैं और काफी सुंदर भी दिखती हैं, पर आज ये पहले के मुताबिक थोड़ी मोटी हो गई हैं। वहीं अब इनके हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब इनके बाल काफी बड़े हो गए हैं और अब ये जीन्स टॉप जैसे कपड़े कैरी करती हैं। नंबर 3, जय गिद्वानी। शक्ति द पावर फिल्म में नंदिनी बने करिश्मा कपूर के बेटे राजा का किरदार निभाने वाले बाल एक्टर हैं जय गिद्वानी, जो इस फिल्म में सिंपल शर्ट पैंट वाले अवतार में नजर आए थे। लेकिन बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता आज काफी बदल चुके हैं और आज ये 28 साल के हो चुके हैं और बेहद हैंडसम और स्टाइलिश भी दिखते हैं। ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ इनका हेयर से लेकर सब कुछ बदल चुका है, साथ ही अब इनके चेहरे पर दाढ़ी और मूछ भी आ गई है। नंबर 4, पूजा रूपारेल। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में छुटकी का किरदार बेहद बखूबी उतारने वाली रियल नेम पूजा रूपारेल है, जो इस फिल्म में काजोल की छोटी बहन के किरदार में नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म में छुटकी का किरदार निभाने वाली अदाकारा अब छुटकी नहीं रही हैं, बल्कि 40 साल की एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई हैं और पहले से काफी सुंदर भी दिखती हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में जहाँ ये दो चोटी बांधे और सूट सलवार वाली संस्कारी अवतार में नजर आई थी, वही आज ये मॉडर्न अंदाज वाली एक्ट्रेस बन गई है, जो शॉर्ट ड्रेसेस और जीन्स टॉप कैरी करती हैं। नंबर 5, कविश मजूमदार। कभी खुशी कभी गम फिल्म के लड्डू का किरदार निभाते हुए अभिनेता कविश मजूमदार नजर आए थे और अपने इस किरदार में काफी सिंपल, गोलू मोलू और बहुत क्यूट नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये चाइल्ड एक्टर आज बदलते समय के साथ काफी बदल गए हैं। ये आज 26 साल की उम्र में पहले से काफी पतले हो गए हैं, साथ ही इनका ड्रेसिंग सेंस भी काफी स्टाइलिश हो गया है। ये अब स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, इसी के साथ इनका हेयर स्टाइल भी काफी बदल गया है। अब ये ज्यादातर अपने बालों के आगे की तरफ ही रखते हैं, जिससे इनका अंदाज भी और भी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस बाल कलाकार का बदला हुआ रूप देखकर उन्हें पहचान नहीं पाए? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।